बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद रिजवान खान खान टीचिंग यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम तलबा व तलबात जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हुकूमत की तरफ से एक नया ऐलान, मौसम सरमा की विंटर वेकेशन जो है उसमें इजाफ़ा, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, एग्ज़ाम 2021 के मतलब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो आप तमाम स्टूडेंट्स से ये शेयर करूँगा, बहुत जो है जल्दी ये वीडियो बनाऊँगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो बता दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को किसी भी पॉइंट पे स्किप नहीं करना। और साथ साथ दूसरी बड़ी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो अपना प्यार दें, खान टीचिंग फैमिली का हिस्सा बने और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको बर वक्त मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। बेल को लाजमी दबाइएगा क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी होता है और तभी आपको नोटिफिकेशन भी मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट को बताता हूँ कि ये यस्टरडे यानी कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ीर प्लानिंग असद उमर साहब, डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा, इन सब की जो है इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हों और जानते भी हैं कि NCOC के जो मेम्बरान हैं उनकी जो चेयर करते हैं उस मीटिंग को वज़ीर प्लानिंग असद उमर साहब करते हैं। और उसमें उन्होंने जो है, मैंने पहले आपको बताया था कि मौसम जो सरमा है यानी जो छुट्टियों में इजाफा है उसके मतलब एक लेटर जो है वो भेजा गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और कोरोना केसेस जो है वो बढ़ भी रहे हैं, तो उस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सिफारिश की गई है कि छुट्टियों को 31 जनवरी तक बढ़ाया जाए। अब ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट सामने आई है कि उस लेटर के बाद वज़ीर प्लानिंग असद उमर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इनकी 1-on-1 मुलाकात हुई है क्योंकि NCOC जो है उसको चेयर करते हैं वज़ीर प्लानिंग असद उमर। तो अब उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को डायरेक्ट जो है 1-on-1 सिफारिश कर दी है और उन्होंने कहा है कि कोरोना केसेस की जो ये वेव है ये बहुत ख़तरनाक है। तो उस सिलसिले के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़ुद जो है एक इंटरव्यू के अंदर कल जो है और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक कौम से अहम खिताब किया, उन्होंने ये कहा कि दो ये माह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दिसंबर और जनवरी। तो इस सिलसिले में जो नई बात सामने आई है कि कुछ ही दिनों के अंदर यानी अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो छुट्टियों में एक्सटेंशन की बाकायदा मंजूरी दे देंगे और छुट्टियां जो है वो 31 जनवरी तक उसमें एक्सटेंशन हो जाएगी। तो साथ साथ दो एग्ज़ाम 2021 के मुतल्लिक है ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कि इस छुट्टियों के इजाफे के साथ साथ इंटरमीडिएट यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और मैट्रिक 9th और 10th के इम्तहानात उसके मुतल्लिक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है उसका ऐलान किया जाएगा कि हो सकता है कि आपकी प्रमोशन जो है उसका कोई फार्मूला तय किया जाए और स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए। लेकिन ये बाकायदा कुछ जो है वो अपनी अपनी तजावीज़ हर जो प्रोविंस है चीफ मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर मुराद राज साहब, सईद गनी साहब, वो अपनी अपनी दे रहे हैं। तो उन्होंने अभी अपनी जो है जो उन्होंने अपनी सिफारशात भेजी हैं तो उसका बाकायदा जो उसको कंपाइल किया जाएगा वो 18 दिसंबर को किया जाएगा। 18 दिसंबर को एक इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग रखी गई है, उसमें जो वजीर तालीम जनाब शफकत महमूद साहब हैं वो सारी की सारी तजावीज को इकट्ठा करके उसमें मेन जो पॉइंट्स हैं उसको सामने रख के जो स्टूडेंट्स के फायदे के लिए होगा उसके ऊपर जो है हतमी फैसला इम्तिहानात का बताएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि 31 जनवरी तक छुट्टियों का इजाफा हो सकता है, हुकूमत का यह नया ऐलान सामने आया है। तो उस सिलसिले में आप देखते हैं कि यह नोटिफिकेशन कब जारी होता है और बाकायदा मंजूरी कब होती है। जैसे ही न्यू अपडेट आएगी, टेस्ट एजुकेशनल अपडेट, वो भी आपसे शेयर की जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बनी उसको लाजमी दबा दें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको बर वक्त मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। SOPs पर अमल करें।